तो फिर आज का वाला लेक्चर थोड़ा पवित्र नाम से स्टार्ट करते हैं। तो जोर से बोलो जय सिया राम। क्या देखा था लास्ट वाले लेक्चर में, क्या देखा था? लिसनर, राइट। अच्छा लिसनर, अच्छा लिसनर तो लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया था, तो आज के लेक्चर में क्या देखना है? टेबल स्पेस मैनेजमेंट, टेबल स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, टेबल स्पेस मैनेजमेंट। तो टेबल स्पेस क्या होता था, राइट? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टेबल स्पेस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अब लेट कंसीडर, सबसे पहले हमने क्या बनाया था? यूजर बनाया था। क्या बनाया था? यूजर। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हो तो उसको हमें दो तीन चीजें असाइन करनी पड़ती है। वैसे यूजर क्रिएट करने का तो एकदम सिंपल फंडा है, क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, करेक्ट? लेकिन जब आप क्रिएट करते हो यूजर तो उसको कुछ चीजें हमको असाइन करनी पड़ती है। उसको जो सबसे पहली वाली जो चीज असाइन करनी पड़ती है उसका नाम है डिफॉल्ट टेबल स्पेस, एंड दूसरा वाला जो टेबल स्पेस असाइन करना पड़ता है उसका नाम है टेम्पररी टेबल स्पेस। क्या होता है? टेम्पररी टेबल स्पेस। और एक चीज हम उसको असाइन करती है उसका नाम है प्रोफाइल। तो डिफॉल्ट टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट कौन सा आता है? यूजर्स आता है। टेम्पररी टेबल स्पेस बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? टेम्प। एंड प्रोफाइल कौन सा होता है? डिफॉल्ट नाम से उसका, करेक्ट? ये चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में देख लिया था। अब हमको ये समझना है कि भाई टेबल स्पेस क्या होता है, टेबल स्पेस होता क्या है, क्यों हम उसको असाइन करते हैं। तो अब एक फ्लो समझ लो कि एक समझो कि यूजर है, ये क्या है? यूजर है। यूजर ने क्या किया? आगे जाके टेबल बनाया, तो क्या बनेगा? टेबल बनाएगा। एक यूजर है, उस यूजर ने क्या बनाया? टेबल बनाया। एंड उस टेबल के अंदर उसने क्या किया? डेटा इंसर्ट किया। डेटा इंसर्ट कैसे करते हो टेबल के अंदर? इंसर्ट वाला कमांड चला के मे बी उसने इंसर्ट कर दिया होगा। अब जैसे ही इस यूजर ने डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर लिया तो ये डेटा जाता किधर है? किधर ना किधर तो जाना चाहिए ना। तो ये जो डेटा है फिजिकली आपका, क्योंकि टेबल के अंदर जो डेटा है वो लॉजिकल डेटा है, लॉजिकल मतलब सिर्फ दिखता है लेकिन उसके अंदर है क्या? नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो फिजिकली स्टोर होगा, राइट? तो उसके लिए हमने ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर के अंदर कुछ फाइल्स का जिक्र किया था। क्या नाम है उसका? डेटा फाइल्स। उसको क्या बोले थे हम लोग ने? डेटा फाइल्स बोले थे। तो हमने यहाँ पे डेटा फाइल बनाए। क्या बनाए? डेटा फाइल्स। तो इसका मतलब क्या है? इस यूजर ने जो भी डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट किया है वो डेटा किसके अंदर गया? डेटा फाइल के अंदर गया। किसके अंदर गया? डेटा फाइल के अंदर, करेक्ट है? लेकिन डेटा फाइल को हम डायरेक्टली रीड कर सकते हैं क्या? जैसे कैट कमांड मारा और रीड कर लिया भाई एम्प्लॉय का डेटा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सी फाइल है? फाइल है बाइनरी फाइल है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज की कोई तो भी फाइल है। तो इसको अगर मेरे को रीड करना है तो मेरे को टेबल का सहारा लेना पड़ेगा। टेबल इज अ लॉजिकल व्यू, करेक्ट? अब टेबल स्पेस का क्या मतलब है भाई? टेबल स्पेस का मतलब क्या है? द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल स्पेस। कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबल स्पेस। अब जब आप ओरेकल डेटाबेस का इंस्टॉलेशन करते हो ना तो उसके अंदर अलग अलग नाम की टेबल स्पेस बन जाती है। तो लेट्स कंसीडर मेरे पास में एक डेटाबेस है, उसके पास में उसके अंदर बहुत सारी टेबल स्पेसेस है। सो टेबल स्पेस का मतलब क्या है? टेबल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। तो टेबल स्पेस के अंदर क्या रहेगा? मल्टीपल क्या रहेंगी? डेटा फाइल्स रहेंगी, बहुत सारी डेटा फाइल्स रहेंगी, करेक्ट? और ये डेटा फाइल का काउंट बढ़ते 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 जाएगा। लेकिन टेबल स्पेस जो है ना ये लॉजिकल है। क्या है? लॉजिकल। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अब क्या हुआ कि लेट्स कंसीडर, ऐसा करो कि ये मेरा क्या है? डेटाबेस है, और ये डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल स्पेस रहेंगे, लाइक टेबल स्पेस 1, टेबल स्पेस 2 एंड टेबल स्पेस 3। तो बंदा क्या बोलेगा कि भाई मेरा जो यूजर है
इस यूजर ने जो भी डेटा इंसर्ट किया टेबल के अंदर, वो डेटा कहां पे जा रहा? टेबल स्पेस के अंदर जा रहा है। लेकिन मेरे पास में कितने टेबल स्पेस है यहां पे? 3। तो कौन से टेबल स्पेस के अंदर मेरा डेटा जा रहा, वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होता है इस यूजर का कौन सा टेबल स्पेस, डिफॉल्ट टेबल स्पेस। एंड डिफॉल्ट टेबल स्पेस हम कब असाइन करते यूजर को? एट द टाइम ऑफ यूजर क्रिएशन। तो अगर मैंने बोला कि क्रिएट यूजर U1 आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड डिफॉल्ट टेबल स्पेस TBS1, तो इसका मतलब इस यूजर ने जितने भी टेबल बनाए एंड उस टेबल के अंदर अगर डेटा इंसर्ट किया तो वो डेटा कहां पे जाएगा? टेबल स्पेस के अंदर। लेकिन टेबल स्पेस के अंदर डेटा कौन से फॉर्मेट में जाता है? डेटा फाइल। ये डेटा फाइल के अंदर जाएगा। उस टेबल स्पेस के अंदर जितनी भी डेटा फाइल है उसके अंदर इसका डेटा जाएगा। अगर समझ लो मैंने एक नया यूजर बनाया, User 2, इसका डिफॉल्ट टेबल स्पेस अगर TBS2 है, क्या है? TBS2। तो इसने जितने भी टेबल बनाए और उस टेबल के अंदर जो अगर डेटा इंसर्ट किया तो कौन से टेबल स्पेस के अंदर जाएगा? इस TBS2 के अंदर। समझ में आया? अगर समझ लो मैंने User 3 बनाया एंड इसका भी डिफॉल्ट टेबल स्पेस अगर TBS2 है तो इसका भी डेटा किसके अंदर जाएगा? TBS2 के अंदर जाएगा, इसके डेटा फाइल्स के अंदर जाएगा। कोई भी डेटा फाइल के अंदर जा सकता है विच इज अंडर TBS2, उसका कंट्रोल हमारे पास में नहीं है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब क्या है? मल्टीपल यूजर को एक ही टेबल स्पेस असाइन हो सकता है। वी कैन हैव सिंगल टेबल स्पेस असाइंड बाय मल्टीपल यूजर, मतलब User 1, User 2 एंड User 3, इन सबका टेबल स्पेस क्या है? एक ही है। अगर मेरे को लगा कि User 4 जो नया बनाया इसका टेबल स्पेस मेरे को सेपरेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप सेपरेट भी बना सकते हो। लेकिन जितने यूजर उतना टेबल स्पेस बनाओगे क्या? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड क्या करना है? तो अभी आप लोगों का दिमाग में ये होगा कि मेरा क्या काम है फिर इसमें? सब कुछ तो सही ऑटोमेटिकली हो रहा है, करेक्ट है ना? वैसे भी सब कुछ सही ऑटोमेटिकली हो रहा तो मेरा क्या काम है? मैं क्यों पढ़ा रहा आप लोगों को? क्यों पढ़ा रहा होगा? क्योंकि मैंने पढ़ाने के क्या लिए? पैसे लिए। और अगर मैंने पढ़ाने के पैसे लिए तो इसका मतलब पढ़ाना किसका काम है? मेरा। पढ़वा के लेना किसका काम है? आपका। बराबर है कि नहीं? है ना? और मेरे को भी तो सिलेबस बढ़ाना है ना भाई, मेरे को भी तो सिलेबस बढ़ाना है। मैं अगर बोलूंगा आप लोगों को कि 40,000 मेरे को एक महीने का दो, तो आप देंगे क्या? देंगे क्या बताओ मेरे को? 2 महीने का देंगे क्या? 3 महीने का देंगे क्या? देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को टेबल स्पेस पढ़ा रहा। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? टेबल स्पेस क्या होता है? तो टेबल स्पेस क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा फाइल्स। किसको असाइन करते हैं? हर चलते हुए आदमी को असाइन करेंगे क्या? नहीं, जो यूजर्स है उसको असाइन करेंगे। कौन सी टेबल स्पेस होती है? डिफॉल्ट टेबल स्पेस एंड टेम्पररी टेबल स्पेस। तो टेम्पररी टेबल स्पेस क्या होता है मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको तो समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि पढ़ाया किसने? मैंने पढ़ाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पूछो। हर यूजर को डिफॉल्ट टेबल स्पेस एंड टेम्पररी टेबल स्पेस असाइन होता है हर यूजर को। लेकिन एक यूजर का दूसरे यूजर के साथ में जो डिफॉल्ट टेबल स्पेस है वो सेपरेट हो सकता है। समझ में आ रहा ना? लेट्स कंसीडर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ टेबल स्पेस कितने हैं? 10 है। एंड यूजर कितने हैं? 1000 है। तो 1000 यूजर 10 टेबल स्पेस को असाइन हो सकते हैं। आपको समझ में आ रहा? तो जब भी आप यूजर क्रिएट करते हो ना, उस टाइम पे क्लाइंट आपको बता देता है कि इस यूजर का नाम ये रहेगा और इसका टेबल स्पेस कौन सा रहेगा? ये रहेगा। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा वो टेबल स्पेस है कि नहीं है। चेक तो करना पड़ेगा ना। जो नहीं है उसको असाइन कैसे करेंगे?
और वो जब बता रहा आप लोगों को, इसका मतलब टेबल स्पेस हो गई है ना। अगर नहीं है तो उसको बोल देने का कि भाई जिसको तू असाइन कर रहा है वो टेबल स्पेस ही नहीं है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल स्पेस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे मैं आगे वाले लेक्चर में बता दूंगा, है ना। वही उसी लिए तो हम पैदा हुए, नेक्स्ट वाली चीज वही पे आने वाली है। अब बात करते मेरा क्या काम है, राइट, मेरा क्या काम है। अब लेट्स कंसीडर ये यूजर आया, क्या आया, यूजर आया। इस यूजर ने क्या किया, ये मेरा टेबल स्पेस पकड़ लो, मैं इसका नाम देता हूं टीबीएस वन। कुछ कुछ टेबल स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, कुछ कुछ टेबल स्पेस हम खुद भी क्रिएट करते हैं। नॉर्मली हम खुद ही क्रिएट करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट टेबल स्पेस है ना उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मैं बताता हूं आगे जाके। अब लेट्स कंसीडर ये यूजर वन आया, कौन आया, यूजर वन। इस यूजर वन का डिफॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, टीबीएस वन। तो जब भी आप टेबल स्पेस बनाते हो ना उसमें मिनिमम वन डेटा फाइल तो रहेगी। एक बात तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि हर फिजिकल फाइल के पीछे लॉजिकल है, लॉजिकल के पीछे फिजिकल है। तो टीबीएस वन तो कुछ भी नहीं है, एक हवे का डब्बा है, इट्स अ कंप्लीट, क्या बोलते हैं उसका, हवे का डब्बे को इंग्लिश को क्या बोलते हैं, एयर बॉक्स। तो एक समझ लो कि एक एयर बॉक्स है, एयर बॉक्स नहीं है यार, कुछ भी बोलते हैं एम्प्टी बॉक्स, एक समझ लो फुल, हाँ ठीक है थोड़ा बहुत समझ ले रहे हैं। चलो एक टेबल स्पेस है, टेबल स्पेस के अंदर क्या है, डेटा फाइल है, ठीक है। अब हर डेटा फाइल का ना साइज होता है, हर डेटा फाइल का क्या होता है, साइज होता है। मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा फाइल रहेगा 32 GB, कितना रहेगा 32 GB। वो डिपेंड करता है, एक पैरामीटर आता है डेटाबेस के अंदर, उसका नाम है डीबी ब्लॉक साइज, डीबी ब्लॉक नाम से एक पैरामीटर है। अगर उसका साइज 8K है, नॉर्मली 8K ही होता है, तो मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा फाइल क्या रहेगी, 32 GB। अब ये मेरा डब्बा है और ये डब्बे के अंदर ही मेरा डेटा फाइल पड़ा हुआ है। अगर मैंने ये सिचुएशन में आपको बोला कि टेबल स्पेस का साइज कितना है, तो कितना बोलोगे, 32 GB है। इसका मतलब इस टेबल स्पेस के अंदर जब भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो कितने मैक्सिमम ऑफ डेटा इंसर्ट हो सकता है, 32 GB का इंसर्ट हो गया। फिलहाल तो एक ही डेटा फाइल है, यहां पे सिचुएशन क्या होगी पता है, यहां पे हम बोलेंगे कि टेबल स्पेस वन जो है 100% यूटिलाइज हो गई, क्या हो गई, 100% यूटिलाइज हो गई। हम क्या बोलेंगे, टेबल स्पेस वन 100% यूटिलाइज हो गई, समझ में आया। अब नेक्स्ट, अगर ये बंदे ने 32 GB का डेटा इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में इसको क्या बोला, इसको लगा कि मेरे को फिर से 10 GB का डेटा इंसर्ट करने का है, तो इंसर्ट होगा क्या, आप लोगों को क्या लगता है पता है क्या, मेरे पास में टेबल है तो मैं धड़ाधड़ उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता, लगे उठता जब तक मेरा कंप्यूटर फुल नहीं होता, ऐसा होता है क्या, कंप्यूटर के पहले कौन फुल होगा, टेबल स्पेस। तो यहाँ पे 32 GB पे इसको एरर मैसेज आएगा कि भाई टेबल स्पेस वन क्या है, 100% फुल है, लेकिन बंदा बोल रहा है कि मेरे को 10 GB का डेटा तो डालने का है, तो फिर क्या करेंगे, ये जो टेबल स्पेस है एग्जिस्टिंग टेबल स्पेस, इस एग्जिस्टिंग टेबल स्पेस के अंदर मेरे को एक डेटा फाइल डालना पड़ेगा, करेक्ट है। उसका जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 10 GB। ऐसा नहीं है आप 20 GB का भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने 10 GB का डेटा फाइल यहां पे डाल दिया, ओके। अब ये बंदे ने 10 GB का डेटा इंसर्ट करना यहां से स्टार्ट कर दिया, तो डेटा स्लोली 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 करते करते ये भी फुल हो जाएगा। अब टेबल स्पेस कितना परसेंट फुल हो गया, 100%। पहले मे बी 80% हो गया होगा, अभी कितना हो गया, फिर से 100%। फिर से ये बंदा क्या बोलता है, मेरे को 20 GB का डेटा डालने का है, कितने का, 20 GB का। तो फिर कैसे करोगे, और एक डेटा फाइल डालेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में उसके पास में दो ऑप्शन है, कौन से, एक तो उसके पास में ऑप्शन है एड न्यू डेटा फाइल, और दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, रिसाइज एग्जिस्टिंग डेटा फाइल। तो एग्जिस्टिंग वाली डेटा फाइल कौन सी है, ये 10 GB, 32 GB को कर सकते क्या, वो तो उसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है,
तो ये क्या करेंगे, ये 10 GB वाले को 32 GB तक मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। अगर मैंने इसको 32 GB तक रिसाइज कर लिया तो इसका मतलब मैंने कितनी जगह दे दी, 22 GB की, क्योंकि 10 GB तो पहले था, 10 GB से 32 GB डाल दिया, इसका मतलब 22 GB का मैंने यहां पे स्पेस रख दिया। ये किसको समझ में नहीं आया, जिसका रीजनिंग खराब है। अब खुद को पूछो, मेरा खराब है, मेरा खराब है, मेरा खराब है, मेरा खराब है क्या? पहले कितनी जगह थी, 10 GB, 10 GB वाले को 32 GB अगर बढ़ा दिया तो जगह कितनी बची, 22 GB तो है ना, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे ये 22 GB का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब ये यूजर ही डालेगा क्या, बाकी भी बंदे हो सकते हैं ना, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, जिन जिन बंदों का डिफॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, TBS 1 है, वो सारे के सारे यहाँ पे डेटा इंसर्ट करेंगे। वो डेटा मतलब वो टेबल के अंदर ही डालते हैं, लेकिन वो जाता किधर है, टेबल स्पेस के अंदर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बराबर है कि नहीं? तो मेरा काम क्या है एज ए DBA बताओ, मेरा काम है टेबल स्पेस को मैनेज करना। जब 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 क्या होगा, जब जब आपका टेबल स्पेस फुल हो जाएगा, मेरे पास में दो ऑप्शन है, कौन से, एड अ न्यू डेटा फाइल और रिसाइज अ एग्जिस्टिंग डेटा फाइल, बराबर है, बराबर है या नहीं है? तो ये दो काम हम लोगों को सीखना है प्रैक्टिकली, ओके? इसके अलावा टेबल स्पेस में बहुत कुछ है जो मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं क्या करूंगा, प्रमोशन, प्रमोशन इज मस्ट, राइट? दिन भी अच्छा है आज, प्रमोशन कर लेता हूं थोड़ा सा। तो जिन लोगों को ऐसे ही सीखने का है उनको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एंड ये जो वीडियो है बहुत लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो हम लोगों का ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन किधर है, पुणे में दो जगह पे, भूमकर चौक में और काड़ेवाड़ी फाटा पे, और ऑनलाइन, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन का भी पैसा लगेगा, ऑफलाइन का भी लगेगा, वैसे फ्री वाले सेशन तो हम देते रहते हैं, उसको आप देख सकते हो।